नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहोनपुर में पुरातत्व विभाग की ओर से किए जा रहे खुदाई कार्य में भगवान बुद्ध के मिले मूर्तियों में से दो मूर्तियां चोरी हो गई थी, जिस पर हजारीबाग पुलिस ने काफी जोर शोर से जांच जारी रखी थी। आपको बता दें कि 20-21 मार्च के रात्रि में चोरी की गई मूर्तियों के बारे में पुलिस अधीक्षक हजारीबाग कार्तिक एस ने बताया कि रांची के रहने वाले सुजीत कुमार सिंह एवं संजय अग्रवाल ने मूर्ति बेचकर बड़ा पैसा कमाने के लालच में प्लान सेट किया, जिसके मुताबिक बांका के रहने वाले दो युवकों से मूर्तियां चोरी करवाई गई एवं संजय अग्रवाल के अन्य साथी के यहां मूर्तियां रखी गई थी। हजारीबाग पुलिस ने कड़ियों को जोड़ते हुए सभी 5 साथियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इनमें से 2 लोगों को बांका से एवं 3 लोगों को रांची से कल देर शाम गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2 मूर्तियों को भी बरामद कर लिया गया है। हजारीबाग पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने इतनी बड़ी सफलता दिलाई है, इसकी चर्चा हजारीबाग में चारों ओर हो रही है। वहीं हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने स्वीकार किया कि लापरवाही के कारण मूर्तियां चोरी की गई थी। आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बहरनपुर में जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, उधर से 2 बुद्ध जी का मूर्ति चोरी होने का कांड दर्ज हुआ था, और दर्ज होते ही जो है हम लोग एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित किए थे SDPO सदर के नेतृत्व में, और उसमें बहुत सारा टीम मेंबर्स थे और सबको अलग अलग टास्किंग था, एंड उसमें 72 आवर्स के अंतर्गत हम लोग इस पूरे मामला को खुलासा कर पाए। और इसमें कहानी ये आया कि हम लोगों का सूचना अनुसार एक सुजीत सिंह है, रांची में रहता है, तो उनको हम लोग पकड़े हैं, और वही जो है कंप्लीट कन्फेस किया है कि वो मूर्ति को चुरा करके रांची का एक संजय अग्रवाल है उनके यहाँ दिया है, और संजय अग्रवाल उस मूर्ति को रखने के लिए यतीश के घर भेजा है, और संजय अग्रवाल ही जो है ये पेपर में इस आर्कियोलॉजिकल साइट और इसको वैल्यूज़ के बारे में जितना पेपर में न्यूज़ आया तो उसको देख करके उनको ये लगा कि ऐसे मूर्ति एक को हम लोग चोरी करके बाज़ार में बेचेंगे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो तब जो है सुजीत के साथ मिल के पूरा प्लानिंग किया, और सुजीत जो है अपना जान पहचान के लोग जो बांका जिला के रहने वाले नरेश और नरेश राय और प्रेम शंकर, उन दोनों को बुला करके 20-21 के रात्रि में लोग चोरी किया है, और इनका संजय अग्रवाल के कन्फेशन के आधार पर यतीश के घर से हम लोग इस पूरा दोनों मूर्ति को सही सलामत बरामद कर पाए। ये बेसिकली कोई इस टाइप का एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सुरक्षा में हम लोग बेसिक सुरक्षा जो देना है तो उनको दिए हुए हैं, और उधर जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे उनका लापरवाही थी, और इसलिए 6 सुरक्षाकर्मी जो उधर तैनात थे उन लोगों के विरुद्ध हम लोग विभागीय कार्रवाई भी कर रहे हैं, और वो लोकल लेवल पर ASI का अपना निजी सुरक्षा का 3 लोग उधर पदस्थापित थे, उन लोगों के स्तर से भी चूक हुआ है, तो उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी और अनुसंधान जारी। साथ ही जिन पुलिस कर्मियों के तैनाती पूर्व में वहां की गई थी उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।